रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में कल देर रात एसटीएफ और पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से मारा गया, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मारा गया बदमाश अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू नानकमत्ता डेरा कारसेवा के जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह की हत्या का आरोपी था। वो अमृतसर का रहने वाला था। पुलिस ने फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है, उसकी तलाश जारी है। वहीं गढ़वाल आईजी करण सिंह नगनियाल ने भी घटनास्थल पर वे पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अमरजीत अपने एक साथी के साथ उत्तर प्रदेश में घुसने की कोशिश में था। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पीछा करने पर आगे से भी पुलिस की टीम थी, पीछे से भी पुलिस की टीम थी, उसको रोका गया, लेकिन रोका नहीं वो, क्योंकि अभ्यस्त अपराधी है। तो तत्काल उसने पुलिस टीम पर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने अपने वाहन से किनारे छुपकर अपने को बचाव किया, लेकिन अब फिर बाद में आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायर किया गया, जिसमें ये चोटिल हुआ और इसको हॉस्पिटलाइज किया गया। यहाँ लाया तो डॉक्टरों की टीम द्वारा बताया गया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है।